आप सभी का स्वागत है रवि जॉन फार्मिंग लीडर में। मैं रवि त्यागी आपका होस्ट एंड दोस्त। मेरे बुजुर्गों और किसान साथियों को मेरा राम राम। तो किसान साथियों, आज हम चर्चा करेंगे पशुओं की घरेलू तरीके से डिवॉर्मिंग कैसे करें, उनकी पेट की सफाई कैसे करें और उनके अंदर के कीटाणुओं को ख़त्म कैसे करें। तो चलिए कुछ अलग करते हैं। किसान भाइयों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं। तो किसान साथियों, जैसा कि आपको जानकारी है कि बरसात का मौसम चल रहा है और बरसात के मौसम में हरे चारे की अधिकता होती है, तो बाहर के एनवायरनमेंट से और खेतों से फार्म से हरा चारा बहुत तादाद में आता है और बहुत कम सूखा चारा जानवरों को दिया जाता है। तो इस बरसात के मौसम में दुनिया भर के विषाणु कीटाणु पैदा होते हैं और वो चारे के साथ हमारे पशुओं के पेट में चले जाते हैं और उससे हमारे पशु बीमार हो जाते हैं। तो उसकी रोकथाम के लिए हमें अपने पशुओं के पेट की सफाई करनी चाहिए। कभी कभी पशु कम न्यार खाने लगता है, कम चारा खाने लगता है, पतले दस्त करता है या उसका पेट अफड़ जाता है, बहुत सारी अनेकों बीमारियाँ होती हैं। तो वो बीमारियाँ हमारे पशु को ना लगे, उसके लिए हम अपने पशुओं की प्राकृतिक तरीके से, घरेलू तरीके से, जो सब कुछ हमारे आसपास या हमारे जंगल हमारे खेतों में है, उससे हम उपचार कैसे करते हैं। अब रही बात कि आज हम पशु को बांध कर अपने खूंटे पर अपने गौशाला में रखते हैं, पशु चरागाहों में नहीं जाते। पहले टाइम में क्या था कि हर पशु चरागाहों में चुगने के लिए जाते थे और वो अपने ज़रूरत की दवाइयाँ और जड़ी बूटियाँ वो खुद खा लिया करते थे और उसी से उनका जो है पेट साफ रहता था। लेकिन आज क्या है कि हम खुट बंद पशु रखते हैं जो खूंटे से बना रहता है, इसलिए वो हमारी इच्छा के विरुद्ध कुछ भी नहीं खा सकता। अब हमें देखना है कि कुछ ऐसी जड़ी बूटियां, पेड़ पौधे कुछ ऐसे हैं जो कि हमारे पशुओं की सेहत के लिए लाभदायक हैं। तो हम जिस जिस चीज़ की जहाँ जहाँ ज़रूरत है अगर उसे हम वहीं इस्तेमाल करें तो हमारा पशु स्वस्थ रहे। तो आज जैसे कि हम बात कर रहे थे कि उनके पेट की सफाई की, यानी कि कहें तो कि डिवॉर्मिंग, तो हमें डिवॉर्मिंग की बहुत सारी चीज़ें हमारे आसपास होती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि ये नीम की पत्तियां हर घर में हर जगह और हर किसान के पास मिल जाएंगी। अगर ये पत्तियां हम अपने पशु को खिलाएं तो उसके पेट के सभी कीड़े ख़त्म हो सकते हैं और हमारा पशु पूरी तरह स्वस्थ हो सकता है। दूसरा, आप ये तो पहचान ही गए होंगे ये क्या चीज़ है, ये है गिलोय। गिलोय बीज सभी जगह पर मिल जाती है और अगर किसी वजह से ना मिले तो ये सूखी फॉर्म में आपके यहाँ पंसारी के यहाँ मिल जाएगी, ठीक है। तो अगर मान लिया आपको हरी पत्ते वाली गिलोय मिलती है और फ्री में मिलती है अपने जंगलों से, अपने पेड़ पौधों से आपको मिलती हैं ये दोनों चीज़ें, तो आप क्या करेंगे, दोनों में से एक भी मिल जाए, अगर नीम अवेलेबल है तो नीम भी काम करेगा और गिलोय अवेलेबल है तो गिलोय भी काम करेगी, अगर दोनों चीज़ें हैं तो दोनों भी एक साथ मिलकर काम करेंगी। या तो आपका पशु आसानी से इन चीज़ों को उसके सामने डालेंगे वो खा लेता है और वो उसे खा लेगा और खाने के उपरांत क्या होगा कि उसके अंदर जितने भी कीटाणु और विषाणु हैं वो सब नष्ट हो जाएंगे। दूसरा क्या है, अगर वो आसानी से नहीं खाता है तो जो आप चारा काटने की मशीन है उसमें उनका चारा काट रहे हैं उसमें उसके साथ ही इसे जो है इसे भी काट देते हैं और वो आपके चारे के साथ कट जाता है और थोड़ी मात्रा में सारे चारे में जितना भी आपका पूरा चारा है उसमें ये इसकी मात्रा हो जाती है। तो जब आप अपने पशुओं को वो चारा डालते हैं तो थोड़ी थोड़ी मात्रा में सभी पशुओं को ये दोनों जड़ियाँ, ये जड़ी बूटियाँ आपको पशुओं को मिल जाती हैं और आपके पशु की डिवॉर्मिंग हो जाती है। तो किसान साथियों, ये दोनों ही चीज़ें बहुत काम की चीज़ें हैं,
हमेशा आप इन्हें यूज करते रहें। और दूसरा क्या होता है कि डिवॉर्मिंग की दवाई जो इंग्लिश या अंग्रेजी दवाइयाँ हैं उन्हें कहते हैं कि 6 महीने में करें या 2 महीने में 4 महीने में, वो टाइम बताते हैं। लेकिन हमें तो इसके लिए कोई टाइम की ज़रूरत नहीं है, ये तो पूरी तरह से शुद्ध है, वनस्पति है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम हर महीने भी जो है थोड़ी थोड़ी मात्रा में हर महीने महीने में एक बार ये दे सकते हैं और हमारा पशु हष्ट पुष्ट रहेगा। तो किसान साथियों ये जानकारी मैंने आपको दी, आपको कैसा लगा ये कमेंट करके बताएं। और किसान साथियों जैसा कि आपको मालूम है बड़े दुख का विषय है कि हमारे बहुत सारे ज़िले हमारे देश में बाढ़ का पूरी तरह प्रकोप है। मेरे किसान साथी तड़फ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, उनका पशुधन भी परेशान है, बाढ़ से बहुत बुरी हालत हो गई है, दुख होता है, दर्द होता है। अगर हम कुछ नहीं कर सकते अपने किसान भाइयों के लिए तो कम से कम उनके लिए भगवान से दुआ तो कर सकते हैं। तो सभी किसान मिलकर प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु ये बाढ़ का प्रकोप ख़त्म करें, जिससे कि मेरा किसान साथी अपनी दोबारा ज़िंदगी की पटरी पर दोबारा से चल सके, उसके पशु अच्छे से रह सकें। तो किसान साथियों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं। किसान साथियों ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रवि त्यागी, रवि जॉन फार्मिंग लीडर से।